नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 में हम कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कंसेप्ट ऑफ लैचिंग और होल्डिंग के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 4 में। अगर उस लेक्चर को नहीं देखे तो कृपया उसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज के इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हम मैक्सिमम टाइम जब भी हम लेटर लॉजिक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें यूज होता है कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने आर एस लॉजिक माइक्रो स्टार्टर लाइट 500 पर और हम ये समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग होता क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के मेन इंटरफेस पर आ गए हैं और कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग समझने से पहले मुझे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं और कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का यूज करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, वो हमको एक क्वेश्चन के जरिए पता चलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, PB1 मीन्स पुश बटन 1 प्रेस मोटर 1 ऑन एंड होल्ड। देखिए अगेन क्या बोल रहा है, PB2 प्रेस मोटर 2 ऑन एंड होल्ड एंड मोटर 1 गेट ऑफ। अगेन PB1 प्रेस मोटर 1 ऑन एंड मोटर 2 ऑफ हो जाता है। तो ये कंडीशन है हमारे क्वेश्चन को, एक बार और समझ लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आपके पास पुश बटन है, पुश बटन PB1 को जैसे ही प्रेस करते हैं मोटर 1 ऑन और होल्ड हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है कि PB2 पुश बटन 2 को प्रेस करो तो मोटर 2 ऑन और होल्ड हो जाता है, बट मोटर 1 जो ऑन था प्रीवियस स्टेट में उसको ऑफ कर देता है, मीन्स मोटर 1 गेट ऑफ हो जाता है। अगेन यही प्रोसेस रिपीट होता है कि PB1 को अगेन प्रेस करो मोटर 1 ऑन एंड होल्ड हो जाता है और मोटर 2 ऑफ हो जाता है। तो ऐसे केस में कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का यूज करना पड़ता है। कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का कहने का मतलब ये हुआ कि एक टाइम में सिर्फ एक ही आउटपुट ऑन रहेगा। मीन्स देखिए, जब मोटर 1 ऑन रहता है तो मोटर 2 ऑफ हो जाता है। स्टेटमेंट 2 में देखिए, जैसे ही मोटर 2 ऑन हुआ तो मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए। अगर मोटर 1 ऑन है तो मोटर 2 ऑफ हो जाना चाहिए, मोटर 2 ऑन है तो मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए। मीन्स एक टाइम में केवल एक ही आउटपुट हाई रहेगा, मीन्स दोनों आउटपुट एक साथ कतई नहीं ऑन हो। तो ऐसे कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर पर कैसे सॉल्व करते हैं और हम कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग को वेरीफाई करते हैं। तो अब इस रंग 0 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद रेड कलर आ जाएगा तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। मीन्स हमारा ये रंग सिलेक्ट हो गया। हम एक यहाँ पे एनो पुश बटन ले लेते हैं और एक आउटपुट क्वाइल यूज कर लेते हैं और इसकी एड्रेसिंग मैं कर देता हूँ i:0/0 और इंटर प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद ये कमेंट के लिए पूछेगा कि क्या नाम देना चाहते हैं, तो PB1 है हमारा, तो मैं इसको लिख देता हूँ PB1 मीन्स पुश बटन 1 और इसको ओके कर दीजिए। और यहाँ से मैं आउटपुट क्वाइल की एड्रेसिंग दे देता हूँ, आउटपुट को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं तो O:0/0 मैं और इसको इंटरप्रेस कर देता हूँ, तो ये हमारा मोटर 1 होगा, तो मोटर 1 और इसको ओके कर दीजिए मोटर 1 लिखने के बाद। तो ये हमारा मोटर 1 है। तो जैसे PB1 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑन एंड होल्ड हो जाना चाहिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि PB1 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑन एंड होल्ड, तो होल्डिंग के लिए हमको होल्ड यहाँ पे इनपुट पे होल्डिंग देना पड़ेगा और होल्डिंग किसकी देते हैं, आउटपुट की होल्डिंग, जैसे कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो होल्डिंग के लिए आप इस ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए और लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक एनो पुश बटन ले लेता हूँ जिसकी एड्रेसिंग मैं आउटपुट की दूंगा, तो आउटपुट की एड्रेसिंग कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रॉप करके वहां से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। जैसे ही मैं PB1 को प्रेस करूंगा मोटर 1 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ देखिएगा, PB2 को प्रेस करने से मोटर 2 ऑन एंड होल्ड हो जाता है। ठीक, और हम रंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। रंग को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे न्यू रंग पे चले जाइए और यहाँ से मैं अगेन एक एनो पुश बटन ले लेता हूँ, एनो पुश बटन ले लेता हूँ और एक आउटपुट क्वाइल यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी एड्रेसिंग मैं कर देता हूँ i:0/0 दे देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ और ये मैं PB2 लिख देता हूँ क्योंकि पुश बटन 2 है, PB2 और ओके प्रेस कर दीजिए। और यहां से मैं आउटपुट की एड्रेसिंग दे देता हूँ, आउटपुट की एड्रेसिंग O:0/1 दे देता हूँ और इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि ये हमारा मोटर 2 है, मोटर 2 और इसको ओके कर दीजिए। मोटर 2 ऑन एंड होल्ड भी होना चाहिए जैसे क्वेश्चन में बोला था, इसकी होल्डिंग के लिए हमें अगेन ये
रंग ब्रांच को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पुट करने के बाद इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक एनो पुश बटन लगा देता हूँ होल्डिंग के लिए, और इसके एड्रेसिंग मैं मोटर 2 की दे देता हूँ। तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन बन गया, इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि पीबी 1 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑन एंड होल्ड। देखिए सेकंड स्टेटमेंट हम बना रहे थे कि पीबी 2 को प्रेस करने से मोटर 2 ऑन एंड होल्ड हो जाता है, बट मोटर 1 गेट ऑफ हो जाना चाहिए। तो देखिए मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए। एक बार और क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ पे मोटर 2 ऑन एंड होल्ड एंड मोटर 1 गेट ऑफ, तो मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए। तो मोटर 1 ऑफ करने के लिए हमको यही कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का यूज करना पड़ेगा मोटर 1 को ऑफ करने के लिए। तो देखिए इंटरलॉकिंग हम दो तरीके से करते हैं, इनपुट की इंटरलॉकिंग करते हैं और आउटपुट की इंटरलॉकिंग करते हैं। इनपुट की इंटरलॉकिंग करने का मतलब इनपुट का यूज, ये जो हमारा पीबी 2 इनपुट है हम इसको रंग 1 में सेलेक्ट करेंगे, रंग 1 में इसको यूज करेंगे। तो देखिए रंग 1 में मैं एक एनसी पुश बटन ले लेता हूं और एनसी को मैं यहां पे पुट कर देता हूं। देखिए मैं इंटरलॉकिंग कर रहा हूं किसकी, इनपुट की इंटरलॉकिंग। तो जैसे ही पीबी 2 की मैं एड्रेसिंग यहां पे दे देता हूं तो ये हमारा इनपुट की इंटरलॉकिंग है। अगर मैं यहां से आउटपुट क्वाइल यहां पे एनसी पुश बटन लेता और इसकी एड्रेसिंग आउटपुट की देता तो आउटपुट इंटरलॉकिंग होता है। तो आउटपुट इंटरलॉकिंग मैं इसके बाद में बताऊंगा, अभी इनपुट इंटरलॉकिंग बता देता हूं। देखिए जैसे ही हमारा पीबी 2 के मैंने पीबी 2 का, ये हमारा पीबी 2 है, पीबी 2 का एनसी मैंने रंग 1 में यूज किया है क्योंकि मोटर 1 को ऑफ करना है। तो जैसे ही मैं पीबी 2 को प्रेस करूंगा तो ये जो एनओ है एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और मोटर 2 ऑन हो जाएगा। बट जो हमारा पीबी 2 का मैंने एनसी यहाँ पे रंग 1 में यूज किया है, तो जैसे ही मैं पीबी 2 को प्रेस करूंगा तो ये एनओ से एनसी में कन्वर्ट होगा, बट ये हमारा जो रंग 1 में है एनसी ये एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और मोटर 1 ऑफ हो जाएगा। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, थर्ड स्टेटमेंट यह देखिए, अगेन पीबी 1 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑन हो जाना चाहिए एंड मोटर 2 गेट ऑफ हो जाना चाहिए, मोटर 2 ऑफ हो जाना चाहिए। तो जैसे ही पीबी 1 को प्रेस करेंगे तो मोटर 1 ऑन हो तो जाएगा, बट मोटर 2 उस समय ऑफ हो जाना चाहिए क्योंकि इसके प्रीवियस स्टेट में मोटर ऑन था। तो अब इसको भी ऑफ करने के लिए हम एक एनसी पुश बटन का यूज कर लेते हैं और एनसी पुश बटन को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और इसकी इंटरलॉकिंग कर देता हूँ, और इसकी इंटरलॉकिंग मैंने एनसी के थ्रू किया और इसकी एड्रेसिंग क्या दूंगा, जो पीबी 1 हमारा पुश बटन 1 है इसकी मैं एड्रेसिंग यहाँ पे दे दूंगा। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही एनओ है पीबी 1 जैसे ही मैं प्रेस करूंगा मोटर 1 ऑन हो जाएगा, बट ये पीबी 1 का मैंने एनसी यहाँ पे रंग 2 में सेलेक्ट यूज किया है। तो जैसे ही ये इसको प्रेस करूंगा तो एनओ से एनसी में बनेगा और पावर का हमारा फ्लो हो जाएगा, जो हमारा एनसी है वो एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और मोटर 2 को ऑफ कर देगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन था जिसमें कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग यूज हुआ है। इंटरलॉकिंग वो भी किसका यूज हुआ, इनपुट का इंटरलॉकिंग यूज हुआ। देखिए मैं पीबी 1 का एनसी मैंने रंग 2 में यूज किया है और देखिए पीबी 2 का मैंने एनसी इस रंग 1 में यूज किया है एज ए इंटरलॉकिंग। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद इसको वेरीफाई प्रोजेक्ट कीजिए, अगर किसी टाइप का एरर होगा तो यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर लिख रहा है नो एरर फाउंड, मीन्स हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। इसके बाद इस प्रोग्राम को यहाँ से जाने के बाद डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। अगर इंटरलॉकिंग का है तो इंटरलॉकिंग लिख सकते हो INTERLOCKING, इंटरलॉकिंग का है तो इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद ये प्रोग्राम डाउनलोड होने के लिए बोलेगा, डाउनलोडिंग प्रोग्राम यस कर दीजिए। इसके बाद ऑनलाइन जाने के लिए डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, ऑनलाइन जाना चाहते हो तो यस हम ऑनलाइन जाना चाहते हैं। जैसे ही ऑनलाइन को प्रेस करेंगे तो ये रोटेट होने लगेगा, हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन हो गया है। इसके बाद आप प्रोग्राम को रन कीजिए, यहाँ से रन हो गया। जैसे ही रन होगा हमारा प्रोग्राम तो हमारा ये जो पॉजिटिव और निगेटिव लाइन है ये ग्रीन हो जाएगी, तो हम ये समझ जाएंगे कि प्रोग्राम हमारा रन हो गया। तब देखिए जैसे पीबी 1 को प्रेस करूंगा मोटर 1 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है। अब इसको यहां से कर्सर लेके जाइए और राइट क्लिक करके यहां से फोर्स ऑन कर दीजिए। जैसे मैंने फोर्स ऑन किया, देखिए मोटर 1 हमारा ऑन हो गया। अगर मैं इनपुट को ऑफ भी कर देता हूं, फोर्स ऑफ भी कर देता हूं, तो देखिए फिर भी हमारा मोटर क्या है, ऑन ही रहेगा। ठीक है, मोटर 1 ऑन ही रहेगा। अब देखिए जैसे ही अब पीबी 2 को प्रेस करूंगा, मींस पुश बटन 2 को प्रेस करूंगा, तो मोटर 2 ऑन हो जाना चाहिए बट मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए। एक बार और क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहां पे देखिए पीबी 2 को प्रेस करने से पीबी 2 प्रेस मोटर 2 ऑन एंड होल्ड
एंड मोटर वन गेट ऑफ इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। जैसे ही पीवी टू को पुश बटन टू को प्रेस करें तो मोटर टू ऑन हो जाना चाहिए बट मोटर वन ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए मोटर वन को मैं ऑफ नहीं करूंगा यहां से, और मोटर वन को मैं ऑफ नहीं करूंगा। जैसे ही मैं पीवी पुश बटन टू को प्रेस करूंगा मोटर टू हमारा ऑन हो जाएगा बट मोटर वन ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एनसी यूज किया है, पीवी टू का एनसी मैंने रंग वन मान किया यूज किया। तो अब देखिए मैं पीवी टू को जैसे ही फोर्स ऑन करूंगा तो देखिए मोटर वन को आप ध्यान देते रहिएगा, मोटर वन पे देखते रहे। जैसे ही मैं पीवी टू को फोर्स ऑन करूंगा देखिए मोटर वन ऑफ हो गया है बट मोटर टू ऑन हो गया है। अगेन मैं इनपुट को ऑफ भी कर दूंगा फिर भी हमारा मोटर टू ऑन ही रहेगा क्योंकि मैंने इसकी होल्डिंग दे रखा है। अगेन इस प्रोसेस को समझ ले। जैसे ही मैं देखिए अभी मोटर टू ऑन है, जैसे ही मैं पुश बटन पीवी वन को प्रेस करूंगा मोटर वन ऑन हो जाएगा, मोटर टू खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो मीन्स ऐसा क्या हो रहा है, एक समय में केवल एक ही मोटर ऑन रह रहा है। देख सकते हैं मल्टी आउटपुट है, एक समय में केवल एक ही आउटपुट ऑन रहेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग, और ये इंटरलॉकिंग मैंने इनपुट का दे रखा है, जैसे कि मैंने एड्रेसिंग यहाँ पे इनपुट का दे रखा है तो इसीलिए हम इससे बोल सकते हैं कि इनपुट इंटरलॉकिंग है। अगेन मैं पीवी वन को प्रेस करता हूँ, देखिए पीवी वन को जैसे ही मैं फोर्स ऑन करूंगा मोटर वन ऑन हो जाएगा। देखिए मोटर वन ऑन हो गया और होल्ड हो गया। अगर मैं इनपुट को ऑफ भी कर देता हूं फोर्स ऑफ, फिर भी आउटपुट हमारा मोटर वन ऑन रहेगा। अब देखिए जैसे ही मैं पीवी टू को प्रेस करूंगा अगेन मोटर वन ऑफ हो जाएगा, मोटर टू ऑन हो जाएगा। अगेन मैं इसको एक बार और प्रेस करके फोर्स ऑन कर देता हूं, देखिए मोटर टू ऑन हो गया, मोटर वन ऑफ हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का क्वेश्चन था। अब इसको हमने जिसमें मैंने इनपुट की इंटरलॉकिंग दिया, अब आउटपुट की इंटरलॉकिंग कैसे देते इसको भी आप समझ लीजिए। अगर इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो अगेन आप रिमोट या जहां पे रिमोट रन लिखा है यहीं पे चले जाइए, यहां पे जाने के बाद वो ऑफलाइन मोड पे चले जाइए और इस प्रोग्राम में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आउटपुट की इंटरलॉकिंग देके समझ लेते हैं कि आउटपुट की इंटरलॉकिंग हम कैसे करते हैं। देखिए हमारा सेम प्रोग्राम है, पीवी वन को प्रेस करने से मोटर वन ऑन हो जाएगा, पीवी टू को प्रेस करने से मोटर टू ऑन हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हम इंटरलॉकिंग करेंगे आउटपुट की इंटरलॉकिंग। तो देखिए आउटपुट की इंटरलॉकिंग करने के लिए अगेन इस रंग वन को सिलेक्ट कीजिए, रंग वन में आप एनसी यूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक एनसी यूज कर ले, तो जहां पे ग्रीन है यहीं पर आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और इसकी एड्रेसिंग हम आउटपुट की एड्रेसिंग, इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने इनपुट इसकी इंटरलॉकिंग मैंने इनपुट को किया था, बस इसमें हम इंटरलॉकिंग आउटपुट का करेंगे। तो सिंपल इसमें देखिए एलन ब्रेडल पीएलसी प्रोग्रामिंग में बड़ा ही फ्लेक्सिबिलिटी है, आप यहाँ पे एड्रेसिंग चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख के दिखा देता हूँ, आउटपुट की एड्रेसिंग देना मोटर टू की, तो ओ ओ कॉलन जीरो स्लैश वन और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, अगेन देखिए मैंने रंग वन में इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट यूज किया और इसकी मैंने एड्रेसिंग आउटपुट के दिया था। आउटपुट मींस ये इंटरलॉकिंग आउटपुट की इंटरलॉकिंग है। अगेन मैंने रंग टू को सेलेक्ट करूंगा, रंग टू में मैं एनसी यूज कर लेता हूं, यहां पे मैं एनसी पुट कर देता हूं और इसकी एड्रेसिंग मैं इनपुट वन में जो हमारा आउटपुट पे मोटर वन लगा है उसकी मैं कर दूंगा। तो देखिए इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी, आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे एड्रेसिंग को देखिए, यहाँ पे चले जाइए इनपुट एड्रेसिंग को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें एड्रेसिंग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो इंटरलॉकिंग यूज किया है आउटपुट का इंटरलॉकिंग यूज किया है, मीन्स एक समय में एक ही आउटपुट ऑन रहेगा। देखिए रंग टू में मोटर मैंने टू यूज किया है बट मोटर टू में मैंने इंटरलॉकिंग किसका किया है, मोटर वन का किया है, मीन्स आउटपुट का इंटरलॉकिंग किया है। रंग वन में मैंने मोटर वन को ऑन करूंगा लेकिन बट इसमें इंटरलॉकिंग किसका, एनसी का यूज किया है और एनसी का एड्रेसिंग क्या दिया है, मोटर टू का एड्रेसिंग दिया है। अब इस प्रोग्राम को भी वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई करेंगे या नो एरर फाउंड, अगेन इस प्रोग्राम को यहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ओके करते जाइए, ऑनलाइन मोड में आने के बाद अगेन प्रोग्राम को आप रन कर दीजिए। देखिए इसमें मैंने आउटपुट की एड्रेसिंग दे रखा है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे पीबी वन को प्रेस करूंगा मोटर वन हमारा ऑन हो जाएगा, देखिए मैं पीबी वन को प्रेस करता हूं, जैसे ही पीबी वन को फोर्स ऑन किया देखिए मोटर वन हमारा ऑन है। एस इस केस में अगर मैं पीवी टू को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा पीवी टू को तो मोटर टू ऑन नहीं होगा। देखिए फोर्स ऑन कर रहा हूं, देखिए पीवी टू को मैंने फोर्स ऑन कर दिया, मोटर टू हमारा ऑन नहीं है क्योंकि मैंने इंटरलॉकिंग दे रखा है मोटर वन का, मैंने एनसी मैंने रंग टू में यूज किया है। जो अगर देखिए ये हमारा मोटर ऑन है तो इसका एनसी मैंने यहाँ पे यूज किया जो एनओ बनाया और इसीलिए मोटर टू हमारा ऑन नहीं हो रहा है। जबकि मैं पीवी टू को प्रेस कर रखा हूँ फिर भी हमारा मोटर टू ऑन नहीं हो रहा है। अगेन मैं इसको फोर्स ऑफ कर देता हूँ, अगेन इसको जैसे ही मैं फोर्स ऑफ करूंगा देखिए इसको मैं फोर्स ऑफ कर देता हूँ तो मोटर वन हमारा ऑफ हो गया। अगेन जैसे मैं पीवी टू को फोर्स ऑन करूंगा, पीवी टू को मैंने फोर्स ऑन किया मोटर टू ऑन हो गया है,
देखिए मोटर टू ऑन हो गया। अब इस केस में पीबी वन को मैं अगर प्रेस करता हूँ फिर भी हमारा मोटर वन ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने मोटर टू का एनसी मैंने रंग वन में यूज किया है जो एज ए इंटरलॉकिंग यूज किया है। तो देखिए पीबी वन को जैसे ही मैं फोर्स ऑन करूंगा, पीबी वन को मैंने फोर्स ऑन किया, देखिए पीबी वन हमारा ऑन है बट हमारा मोटर वन ऑन नहीं है, क्योंकि मैं मोटर टू का जो आउटपुट का एड्रेसिंग है मैंने रंग वन में यूज किया है। इसीलिए जो हमारा मोटर वन ऑन है इसका एनसी मैंने रंग वन में यूज किया, तो एनसी एनओ में कन्वर्ट है, इसीलिए हमारा आउटपुट मोटर वन ऑन नहीं हो रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग था, जिसमें मैंने इनपुट को इनपुट इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं और आउटपुट इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने दोस्तों बताया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे और मैं काफी सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसमें आप अच्छे तरीके से ये समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग कैसे क्वेश्चन में यूज करोगे, कहाँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का यूज करना चाहिए, कहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ लैचिंग यूज करोगे, इन सब के बारे में काफी अच्छे से आइडिया हो जाएगा जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।